गणतंत्र दिवस पर सैन्य उपकरणों को परेड का हिस्सा बनाए जाने का लंबा इतिहास है और इस बार भारत में निर्मित युद्धक टैंक अर्जुन MK-1 K-9 वज्र ऑटोमेटिक राइफल आत्मनिर्भर देश का संदेश देती आकाश मिसाइल प्रणाली और नाग मिसाइल प्रणाली की चर्चा है। ये मिसाइल सतह से हवा में मार कर पाने में सक्षम है। रण क्षेत्र में किसी भी स्थिति से निपटने की क्षमता रखने वाला टैंक अर्जुन MK-1 K-9 वज्र ऑटोमेटिक राइफल और आकाश मिसाइल की तूफानी उड़ान देश की इस स्वदेशी शक्ति से सीमा पर सेना का जोश हाई है। टैंक अर्जुन MK-1 किसी भी तरह के मुकाबले में सक्षम है। सैन्य मोर्चे पर अर्जुन कितनी अहमियत है इस बात से समझिए कि साल 2019 में जब पीएम मोदी जैसलमेर बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाने गए थे तो इस टैंक की सवारी की थी। इसके ऊपर हर प्रकार के वो मॉडर्न हथियार लगे हुए हैं, मॉडर्न फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए हैं और लेजर रेंज फाइंडर वगैरह लगे हुए हैं। टैंक अर्जुन MK-1 दिन और रात मुकाबला करने में सक्षम है। टैंक केमिकल या परमाणु बम हमले से अलर्ट के लिए अलार्म लगा है। कंधे से छोड़े जाने वाले एंटी टैंक ग्रेनेड और मिसाइल का इस पर कोई प्रभाव नहीं। टैंक 120 mm कैलिबर की राइफल गन लगी है। टैंक 12.7 mm की एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन से लैस है। टैंक युद्ध के मैदान में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। स्वदेशी अर्जुन टैंक के दो वर्जन, दोनों की रेंज 450 किलोमीटर है। अर्जुन टैंक की यही खासियत इसे दुनिया की शक्तिशाली टैंक शुमार करती है। गणतंत्र दिवस पर सबसे ज्यादा चर्चा K-9 वज्र की है जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इसमें तोप और टैंक दोनों की खूबियां हैं। K-9 वज्र से 50 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता है। 15 सेकंड के भीतर 3 गोले दागे जा सकते हैं, अधिकतम 104 गोले दागे जा सकते हैं। K-9 वज्र का वजन 50 टन है जिसमें 47 किलो के गोले को 50 किलोमीटर दूर तक दागा जा सकता है। वज्रा बिल्कुल मोबिलिटी के लिए आगे बॉर्डर तक कहीं भी जा सकता है। मतलब ये कि K-9 वज्र को 2019 में सेना में शामिल किया गया था। K-9 वज्र का ऑपरेशनल रेंज 480 किलोमीटर है। K-9 वज्र को देश के अंदर दक्षिण कोरिया की मदद से विकसित किया गया है। बीते वर्षों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाए और दुनिया के दूसरे देशों से हथियार खरीदने के बजाय देश में ही विकसित उसे करने पर जोर दिया गया, जिसका नतीजा है टैंक का निर्माण हो या फिर मिसाइल, भारत में बने हथियारों की क्षमता दुश्मनों के पसीने छुड़ा रही है। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल की मारक क्षमता ने चीन हो या पाकिस्तान सबकी बेचैनी बढ़ा दी। DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर आकाश का निर्माण किया जिसे 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने की क्षमता रखती है। मिसाइल का इस्तेमाल बेहद कम तापमान वाले इलाकों में भी हो सकता है। आकाश ही नहीं, एक और स्वदेशी मिसाइल देश के दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर रही। इस मिसाइल का नाम है नाग। अपने नाम की तरह ही इस नाग मिसाइल प्रणाली की विशेषता मिसाइल सिस्टम की सटीकता है। नाग मिसाइल को हर मौसम में तैनात किया जा सकता है। नाग मिसाइल सिस्टम के कई वेरिएंट हैं। मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। दिन हो या रात किसी भी मौसम में मिसाइल का फायर किया जा सकता है। को लड़ाई के दौरान
किससे खतरा होता है? एक तो एनिमी टैंक्स आ रहे हैं, तो एनिमी टैंक को विध्वंस करने के लिए आपको एंटी टैंक सिस्टम लगाना पड़ता है। एंटी टैंक सिस्टम लगाने के लिए या आप तो उनको गन से ध्वस्त करिए, या आप उसको आपके जो मिसाइल है, जैसे नाग मिसाइल है, वो मिसाइल को आप फायर करें, तो आप नाग मिसाइल को फायर करके एक टैंक से दूसरे टैंक या ग्राउंड से आप दूसरे टैंक में फायर कर सकते हैं। नाग में एडवांस पैसिव मिसाइल होमिंग गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है, जिससे इसे हाई सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी मिलती है। मिसाइल 828 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने टारगेट को हिट कर सकती है। देश में बने हथियारों की यही मारक क्षमता सीमा पर तैनात जवानों का जोश बढ़ा रहे तो दुश्मन के होश भी उड़ा रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।